ये कैनन 20/12 प्रिंटर है। आज इसका इंस्टॉलेशन आप लोग को बताएंगे हम। वाईफाई इंस्टॉलेशन एक ही वीडियो में टोटल चीज़ आपको दिखा देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सारा स्टिकर को निकालना है आराम से, हम उसको फेंक दीजिए, वो लॉक निकालने के लिए रहता है। अभी दो कार्टेज है इसमें, कार्टेज को खोल के लगाइए। आराम से इसको पकड़ के उठाना पड़ता है, हाँ उसको पकड़ के, इसको पकड़ के दबिएगा, ये उठ जाएगा। कलर है ना, पुल पुश लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, उधर से निकालना। पूरा उखाड़ के हाथे पलट लीजिए, उसको उखाड़ दीजिए, उसको ऊपर वाला को भी उखाड़ दीजिए। उल्टा लगा रहे हैं भैया, C4 कलर है ना, तो ऐसे पकड़िए ना इसको, ऐसे पाँच है, उसको आराम से ऐसे रखिए, हाँ इसको कलर में डालिए, इसको वैसे नहीं, वैसे नहीं, हाँ नीचे करके डालिए कलर में, बस हो गया, चला गया, अब इसको फाड़िए, चला गया। ब्लैक लिखा हुआ है कलर में, कलर ब्लैक में, ब्लैक यहाँ लिखा हुआ है C4। बस दोनों उखाड़िए, इसको नीचे वाला भी उखाड़ लीजिए, डाल दीजिए इसको अंदर ऐसे लेके, हाँ पीछे से ऐसे पकड़ के डाल दीजिए इसको, ऐसे बस वो दबा दीजिए, इसको दब गया, दोनों चाप ऊपर को दबाना है, इसको ऐसे ऐसे लो कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दबाना है इसको, ऐसे छोड़ देना अभी, ब्लैक वाला नहीं डालिए इसमें, कलर बाय कलर ध्यान से लेना है, इसे लेना है, दबा दबा के डालिएगा, ठीक है, ऐसे दबा दबा के डालिएगा, पंच मार करके, हाँ ऐसे लेना है और पंच दबाना है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम कोई बोल दे कि जो कि समझ रहे हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, बस इसी तरह ही डालना है, एक ड्रम एक बार में एक चला जाएगा, एक बार में थोड़ा उठा गया था, अभी तब अभी फीका रहता है, खत्म हो गया ना पूरा, ध्यान रखिएगा ये बढ़िया से लगाइएगा, ठीक है ना, ये वाला एयर ना ले ले, हाँ ये अगर ऐसे लगा हुआ रहेगा ना, ऐसे लगा हुआ रहेगा तो इंक पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर यहाँ वीडियो में, हाँ वीडियो का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से रखना है ढक्कन को, और इसे लगाना ना भूले, कलर डाले इसे लगाना ना भूले, ये है इसे उठाना है, कलर ये सबको ऐसे निकाल देना, हाँ सबको मत निकालिएगा, नहीं तो मिस्टेक से किसी और में गिरा दीजिए, जिसको डालना है उसी को ही खोल के रखिएगा, इस पे जरूर ध्यान रखिए, हाँ वाई तो वाई के सामने डालना है, तो येलो अभी खोल है तो येलो ही, क्या होता है ना कि मिस्टेक अभी कभी होता है कि सारा खोल के रखे हुए रहते हैं और जल्दी में किसी और में डाल देते हैं, एक वाई है येलो मैजेंटा सियान, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं CMY के बोलते हैं, CMY हाँ पता है एडोब फोटोशॉप में CMY RGB इसी तरह CMY पे काम होता है, यानी कैनन का प्रिंटर जो है आपका CMY पे काम होता है, ये देखिए दोस्तों ये सब भर गया, उसको कस कस के डिब्बा उसको कचरे में फेंक देना है, ठीक कचरा मत फेंकिएगा, संभाल के रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसको लेके और इसे प्यार से इसको आराम से दबा देना है, इस अंगूठा से मजेंटा इसको लेना है, ओपन करना है, ये स्टिकर ऐसे फाड़ना है पन्नी को, ऐसे करके ये देखिए ऐसे लगा के बनिया से थप्पन से चाँप देना है, और ये
सी, ये सी इसके सामने, ये सी चला गया, चला गया वो बवाल है। अब ये नीचे गिरा देंगे, पार कर लगाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे इधर से, उसको ऐसे लगाएंगे, फिर से अंदर ठल देंगे इसको, बनिया से छल के लगा देंगे, थोड़ा पेस्ट इसमें देंगे, यहाँ पे आके आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। कोशिश कीजिएगा जहाँ इन्वर्टर होगा ना, तो इन्वर्टर वाला लाइन में देने के लिए, ये पावर बटन है, ये एक भी दबा देना है, और डिस्प्ले में वेट कीजिएगा, एक लिखेगा। अभी देखें E05C लिख रहा है, मतलब कांटे जो है आपका ठीक से नहीं लगा है, ठीक है। तो फिर इसको उठाएंगे, आप इसको उठाएंगे, उठाएंगे फिर इसको उठाएंगे और चेक करेंगे कि कोई कांटे जहाँ पे ठीक से नहीं लगा है। कलर कटेस ना करके तीन बताने लगे, आप फिर होइएगा ठीक है। आ गया यहाँ पे, वो कांटे से नहीं लगा था ठीक से, इसके वजह से वो सी भी कर रहा है। अभी आ गया, ये जो पॉलीटॉप का है, मतलब मशीन नया फ्रेश इंस्टॉलेशन है। अब ये वाले बटन प्रेस करेंगे और 5 मिनट वेट करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे और देखिएगा यहाँ से इंक चढ़ेगा आपका। ये अभी जो घूम रहा है ना आपका, आ रहा है ना, हाँ अब ये रुक गया, इतना रुकने पे ये आ जाना चाहिए यहाँ तक। रुकने के बाद अगर कोई कलर नहीं आता है तो ऑफ करके कार्टेज को फिर से बाहर निकालिए और फिर से लगाइएगा, फिर से ऑफ करके ऑन कीजिएगा, फिर चालू कीजिएगा। अभी देखिए आ गया, मतलब कंफर्म रेडी है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक आ गया मतलब आप आ जाएगा। अब हम 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देंगे, 5 मिनट हो गया मेरा। अब ये ब्लिंकिंग कर रहा है, हमें स्टॉप बटन प्रेस कर देंगे, ये वाला ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ये स्टॉप बटन प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे एक लिखा जाएगा, भैया पेपर दीजिएगा ना, सेंचुरी ठीक है, सेंचुरी भैया देखिए, सेंचुरी ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगेंगे, जरूरी नहीं है कि सेंचुरी लगाना है, जो पेपर होगा लगा लीजिएगा। पेपर आराम से यहाँ डालिएगा, ऐसे एकदम आराम से, ठीक है ना।
अभी एक टेस्टिंग करेंगे हम, टूल्स वाले बटन को एक बार दबाएंगे, टूल्स का सेटिंग आ जाएगा, तो फिर चला कलर बटन, एक प्रिंट आउट निकलेगा। ये आपका नॉर्मल चेक, अभी ये प्रॉपर आ गया, मतलब आपका इंस्टॉलेशन कंफर्म सही हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम आपको बताएंगे वाईफाई कैसे चालू करना है, ठीक है ना। ये मोबाइल लेते हैं, सबसे पहले अगर मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करना है तो ये डायरेक्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, इसे मोबाइल का चित्र आ जाएगा आपका, ये जब आ जाएगा तो उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करना है, कैनन प्रिंट सेल्फी बोल के एक ऐप होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। यहाँ बताओ प्ले स्टोर को, ये आपको आ गया। अब यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, ओ भैया कहाँ आ रहा गूगल प्ले, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्ले स्टोर टैप करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पे टैप करेंगे कैनन CANON कैनन प्रिंट सेल्फी ना, कैनन प्रिंट ऐप लिखेगा ना तो वो ऑटोमेटिक सर्च करके दे देगा आप, आ गया ना कैनन प्रिंट सेल्फी, कैनन प्रिंट सेल्फी इंकजेट सेल्फी, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आएंगे वाईफाई में, क्लिक करेंगे, चेक कर लेंगे यहाँ वाईफाई आया कि नहीं आया, ऑन करेंगे तो अभी तक आया नहीं है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया 30-10 आ गया ना, प्रिंटर 30-12 है लेकिन आपको आएगा सब 30-10 ही आएगा, नहीं नहीं 30-10 उसमें कनेक्ट होगा, इसको फॉरवर्ड करते हैं 30-10 ही आएगा, 30-10 उसका है तो किसी और वाला आएगा, एक और इसको जो ये है ना, यह है ना 30-10, 30-12 है प्रिंटर लेकिन सब कुछ में ड्राइवर में सब 30-10 ही आएगा। अब इसमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड प्रिंटर का सीरियल नंबर है पीछे में लिखा हुआ है, के यहाँ जो है ना प्रिंटर के पीछे में रहता है वो सीरियल नंबर आता है, KNVP तो बड़ा अक्षर में डालना है, 149 ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, वापस ऐप में जाना है बैक करके, इसे बैक कीजिए, बस यहाँ ये वही तो ऐप है ना, ओपन कीजिए, अभी देखिए ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, देखिए कनेक्ट ले लिया, कौन सा ला लिया, देखो 6 है और 9 है, 9 अभी हो गया, 9 हो गया ना अभी, चलो ठीक है, बैक आएंगे, ये आया, नाइन वाले में कनेक्ट हो गया, प्लीज वेट, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का हो जाऊंगा, इसको क्लोज कर देंगे, सेलेक्ट इमेज, बाय चांस यहाँ पे जाइए, माना कुछ होगा प्रिंट, कुछ प्रिंट माना, ये हुआ, शूटिंग वहाँ यहाँ पर नहीं होगा, अमेज फोटो पर लाइ था, यहाँ था, अमेज फोटो पर लाइ था, बर के फोटो निकालेंगे, यहाँ पे मैं है पमान ना कलर पर बात करवा, कलर निकाल लेते हैं ना, है पमान ना कलर है पर निकल जाता है, सब सही है, ठीक है, कलर है बॉर्डरलेस है, बॉर्डर कलर है ना, ये पर कलर निकल देते हैं, हाँ निकल जाता है, ना ना निकल जाए बर्बाद हो जाता है, अरे प्रिंट आउट निकलेगा आराम से, हम प्रिंट आउट निकाले मोटा मोटी 2 मिनट लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं ना।
खींच रहा है पेपर, ये फोटो प्रिंट बना के ये निकल गया फोटो प्रिंट। यहाँ पे ओके जरूर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे तभी अगला प्रिंट आउट ये मेरा प्रिंट आउट। देखिए प्रिंट क्वालिटी, ये प्रिंट क्वालिटी कितना मस्त है, प्रिंट क्वालिटी में कोई छोटा प्रिंट का देखिए, और ये मोबाइल से प्रिंट आउट मारे हैं, ये मोबाइल का प्रिंट आउट शॉट वाया हीर अहीर हो अहीर रही हो पवन सिंह कहते हैं निरुआ के डाला है ना अहीर। चलो ठीक, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का तो और भी चमकता है। ये फोटो जैसे ये फोटो कॉपी वाला सेंचुरी है, ये अच्छा आएगा यार। कुछ बस और कुछ नहीं, इतना ही है।